नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। किसानों के दो टूक अविश्वास प्रस्ताव का साथ देकर गिराए सरकार, अन्यथा किसान कड़े कदम उठाने को मजबूर होगी। हरियाणा विधानसभा में 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग के मद्देनजर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर इलाके की विभिन्न खाप किसान सामाजिक कर्मचारी और व्यापारी संगठनों ने बाड़ा से जजपा विधायक नैना चौटाला के कार्यालय का जोरदार नारेबाजी करते हुए घेराव किया। काफी देर बाद भी कोई ज्ञापन लेने के बाहर नहीं आया तो किसानों ने कार्यालय के बाहर मुख्य गेट पर ज्ञापन चस्पा कर दिया है। इस बीच कानून व्यवस्था संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। ज्ञापन में आंदोलनकारियों ने नैना चौटाला से मांग करते हुए कहा है कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस भाजपा जेजेपी गठबंधन ने अपने किसान विरोधी और जन विरोधी रवैये को अब तक कई तरीकों से प्रदर्शित किया है। 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को चले 103 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। किसान लगातार कड़कड़ाती ठंड में अपना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है। अगर आप देश के अन्नदाताओं के हालातों को देख सरकार के खिलाफ मत देंगी तो हरियाणा ही नहीं केंद्र सरकार को झटका लगना लाजमी है। इसलिए 10 मार्च को आप सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में सरकार के खिलाफ वोट करें। यही एकमात्र तरीका है जिसमें जन विरोधी सरकारें एक महत्वपूर्ण सबक सीखेंगी। उन्होंने नैना चौटाला को चेताते हुए कहा कि अगर उन्होंने सरकार के समर्थन में मतदान किया तो इलाके की जनता आपको सबक सिखाने के लिए मजबूर होगी। चरखी दादरी से हमारे संवाददाता जयवीर फोगाट की रिपोर्ट। हरियाणा के अंदर ये प्रोग्राम था कि भाई जेजेपी और बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं, जैसे कल 10 तारीख का विश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है, तो सब एमएलए एमपीओ से मतलब ये कहा गया किसानों की तरफ से कि भाई अपना 10 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल करें और किसानों के हक में मतलब इस मोदी मेरी सरकार को गिरा कर और किसानों की जो ये लड़ाई चल रही है इसमें किसानों की मजबूती लड़ाई के अंदर देने का काम करें और सरकार के खिलाफ अपने मत का प्रयोग करें। आज क्या किया है? आज इसीलिए हमने जैसे बाड़ा हल्के से जो एमएलए है नैना सिंह चौटाला, उनके आवास का घेराव किया है और उनके जैसे ज्ञापन दिया है कि भाई कल का जो अविश्वास प्रस्ताव है तो सारे बाड़ा हल्का के वोटर भी सारी जिला की सारी खाप सामाजिक किसान संगठन सब भाइयों ने आज रोष प्रदर्शन जाहिर किया है और ये कहा है कि भाई हमारा वोट हमने आपको दिया था। आज इन सब की मांग है कि भाई इस 10 तारीख के विश्वास प्रस्ताव में मतलब इसके उसके खिलाफ वोट डाला जाए, सरकार के खिलाफ और सरकार को गिराने का काम किया जाए ताकि इस किसान आंदोलन की और भी ज़्यादा मजबूती मिल सके। भाई घर पे नहीं मिला ये तो देखो, कल कितलाना टोल के ऊपर बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि भाई वहाँ कल जाके घेराव करेंगे, तो ये तो इनके जो पार्टी के जो मुखिया आदमी हैं उनको यहाँ आना चाहिए था। ये बहुत गलत किया उन्होंने। सरकार जब वोटों की जरूरत होती है जब तो टोली बना बना के गांवों में जा जाके वोट मांगते हैं। ये जिला प्रधान है और पार्टी के इनके संगठन के आदमी हैं, आज यहाँ पे एक भी मौके पे मौजूद नहीं है, तो लोगों के बेवकूफ बना के वोट लेते हैं अपना। लेकिन अब किसान समझदार हो चुके हैं, आगे इनके बहकावे बिल्कुल भी नहीं आएगा। ज्ञापन दिया कल हमने, जैसे सरकार का जितना अविश्वास प्रस्ताव है उसके खिलाफ वोट का इस्तेमाल करें नैना सिंह चौटाला, अपने वोट का सरकार को गिराने में इस्तेमाल करें ताकि इस किसान आंदोलन जो चल रहा है इसमें किसानों की लड़ाई को मजबूती मिल सके। तो दीवार पे भाई कोई नहीं मिलेगा तो क्या करें हम दीवार पे। 15 तारीख को जैसे हमने सूचना मिली है, यहाँ एक भाई ने बताया है कि भाई 14 या 15 को ओम प्रकाश धनखड़ की बता रहे हैं मैं राणा गाँव में आने की, तो हमने उस भाई से भी अनुरोध किया है, बिल्कुल विनती करते हैं उससे हम आपके माध्यम से भी कि भाई समाज ने जब ऐसे नेताओं को धिक्कार रखा है तो ऐसे नेताओं को आप गांव में प्रवेश मत करने दें, किसी फंक्शन पर ही मत बुलाएं, नहीं तो भाई देखो ऐसे आएंगे तो फिर सारे किसान भाई उनका विरोध करेंगे काले झंडे दिखाकर। आगे की रणनीति तो सूत किसान मोर्चा जो भी आदेश करेगा उसके हिसाब से ही हम अपनी रणनीति बनाएंगे।